नमस्ते, सिंपली कुक में आपका स्वागत है। तरह तरह की रेसिपी जानने के लिए जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को, जिससे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मेरा आज का रेसिपी। आज मैं बनाने वाली हूँ कोफ्ते, जो कि लौकी के हैं। तो यहाँ पर मैंने लौकी को रात में ही घिस लिया था। घिसने के बाद इसके पूरा पानी मैंने अच्छे से निचोड़ लिया है और मैंने उसको एक कपड़े में बांध के सारी रात के लिए उसे पानी निकालने के लिए ऐसे ही छोड़ दिया था। तो देखिए, अब ये बिल्कुल ड्राई हो चुका है। अब मैंने इसे एक बोल में लिया है, उसमें मैंने बेसन ऐड किया है। कम से कम 4 से 5 चम्मच मैंने यहाँ पर बेसन ऐड किया है। मैंने फिर नमक, नमक बहुत ज़्यादा मत दीजिएगा क्योंकि ग्रेवी में भी हम नमक देने वाले हैं, इसलिए नमक थोड़ा कम रखिएगा। 1 टीस्पून जीरा पाउडर दिया है, 1/2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर दिया है, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर दे रहे हैं और थोड़ा सा, बिल्कुल थोड़ा सा यहाँ पर चीनी ऐड किया है, अच्छा एक फ्लेवर के लिए। और हम इसमें 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर देंगे। देने के बाद इसमें पानी बिल्कुल ऐड नहीं करना है क्योंकि इसमें पहले से ही और मॉइस्चर है, जिससे कि ये अच्छे तरीके से मैरिनेट हो जाएगा। इसलिए इसमें पानी डालने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम बिना पानी के ही इसे अच्छे तरीके से हाथों से मसल लेंगे। उसके बाद हमको छोटे छोटे बॉल्स बनाने हैं कोफ्ते के, छोटे छोटे कोफ्ते बनाने हैं। बनाने के बाद इसको हमें रिफाइंड ऑयल में फ्राई कर लेंगे। यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई में रिफाइंड ऑयल गरम किया है, उसको अब हम ये जो देख रहे हो आप कोफ्ते, इसी तरीके से छोटे छोटे कोफ्ते बनाने हैं। बनाने के बाद हम इसे रिफाइंड ऑयल में ऐड कर देंगे। हमें जब फ्राई करना है तो हम लो फ्लेम में फ्राई करेंगे, हाई बिल्कुल मत कीजिएगा। लो फ्लेम करने से पूरा अंदर तक जो है ये अच्छे बढ़िया तरीके से पक जाएगा, इसलिए हमको ये लो फ्लेम में करना होगा। बहुत ज़्यादा हम एक बार में ऐड नहीं कर देंगे, जितना यहाँ पर आएगा उतना ही हम इसमें ऐड करेंगे, जिससे कि अच्छे तरीके से ये फ्राई हो सके। देखिए, यहाँ पर जो है कोफ्ते फ्राई हो चुके हैं। अब हम इसको अलग से एक बोल में निकाल लेंगे। ये देखिए, कोफ्ते बिल्कुल रेडी है। तो चलिए अब बनाते हैं उसकी ग्रेवी। मैंने यहाँ पर एक अलग सी कढ़ाई ले ली है। कढ़ाई में जो कोफ्ते बनाने के लिए जो हम ऑयल यूज़ कर रहे थे, उसी में से हमने यहाँ पर थोड़ा सा ऑयल ले लिया है। 2 सूखी लाल मिर्च लिए हैं, 1 चम्मच जीरा लिया है, 1 दालचीनी का लिया है, 3 से 4 हम यहाँ पर इलायची लेंगे। लेने के बाद इसे थोड़ा सा भून लेंगे। जैसे ही अच्छा सा एक स्मेल आएगा, उसके बाद जो है हम इसमें एक पेस्ट देंगे। पेस्ट हमको बनाना है, एक बड़ा प्याज मैंने यहाँ पर लिया है, 1/2 इंच यहाँ पर अदरक लिए हैं, कुछ लहसुन की कलियाँ लिए हैं और हरी मिर्च लिए हैं। आप जितना तीखा खाना पसंद करते हो उस हिसाब से आप हरी मिर्च कम ज़्यादा कर सकते हो। यहाँ पर उसका पेस्ट तैयार करेंगे। पेस्ट हम इसमें ऐड करके 2 मिनट के लिए हाई फ्लेम रख के इसे थोड़ा सा अच्छी तरीके से चला लेंगे, इसे अच्छे से भून लेंगे 2 मिनट के लिए। 2 मिनट बाद फ्लेम को हम लो कर देंगे। लो करने के बाद अब हमें थोड़ा सा मसाले ऐड करने हैं। मैंने यहाँ पर 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर यूज़ किया है, इससे रंग जो है बहुत बढ़िया सा आएगा। यहाँ पर 1 टीस्पून हल्दी पाउडर और 1/2 टीस्पून यहाँ पर मैंने हींग ऐड किया है, 1 टीस्पून जीरा पाउडर ऐड किए हैं, नमक स्वाद अनुसार। बहुत ज़्यादा नमक नहीं ऐड करना है क्योंकि कोफ्ते में भी हमारे थोड़े से नमक ऐड किए हैं हमने, इसलिए बहुत ज़्यादा हम ऐड नहीं करेंगे। करके हम अच्छे तरीके से इसे मिक्स कर लेंगे।
देखिए 2 मिनट के लिए हमने इस मसाले को भी अच्छे तरीके से चला लिया है। अब हम इसमें टमाटर प्यूरी देंगे। एक मैंने मीडियम साइज का टमाटर जो है उसे अच्छे तरीके से मिक्सी में पीस लिया है, उसका हम प्यूरी इसमें ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद हमें लो फ्लेम में फिर से 2 मिनट के लिए इस मसाले को चला लेना है। चलाने के बाद अब हम इसमें दही ऐड करेंगे। मैंने यहाँ पर 100 ग्राम दही ऐड किए हैं। दही ऐड जब हम ऐड करते हैं, पहले से अगर दही फेटा हुआ नहीं होता है तो हमको ना लो कढ़ाई फ्लेम से हटा लेना होता है, नहीं तो फ्लेम को एकदम लो रखना होता है। लो रख के उसके बाद दही को आप मिक्स कीजिए, इससे कि दही जो है वो फटेगा नहीं सब्जी में जाके। अब हम अच्छे तरीके से इसे मिक्स कर लेंगे। थोड़ा सा हम इसको चला लेते हैं मसाले के साथ, थोड़ा सा इसे भी फ्राई कर लेंगे, थोड़ा सा भून के। लो फ्लेम में ही रखना है, हाई फ्लेम बिल्कुल मत कीजिएगा। लो फ्लेम में ही हम इसको पकाने वाले हैं, पकाएंगे। उसके बाद इसमें बिल्कुल थोड़ा सा, बिल्कुल एकदम थोड़ा सा पानी, छोटे कप का हाफ कप पानी हम इसमें ऐड करेंगे। करने के बाद इसे ढक्कन से 5 मिनट के लिए ढक के छोड़ देंगे। 5 मिनट के लिए हम इसे ढक्कन लगा के छोड़ देंगे एकदम लो फ्लेम में। 5 मिनट बाद हम इसमें करीबन बड़े कप का 1 कप पानी हम इसमें ऐड करेंगे। हम इसमें इसलिए इतना ज़्यादा पानी देंगे क्योंकि जो कोफ्ते हैं जब हम इसमें ऐड करेंगे तो ये जो कढ़ी है वो गाढ़ी हो जाएगी, इसलिए हमको थोड़ा सा पानी जो है थोड़ा सा ज़्यादा देना होगा। देने के बाद इसे हम 3 मिनट के लिए हाई फ्लेम में देके इसे अच्छे तरीके से उबाल लेंगे। 3 मिनट बाद देखिए अब हम कोफ्ते इसमें ऐड कर देंगे। कोफ्ते ऐड करने के बाद इसे फिर से हम लो फ्लेम करेंगे। लो फ्लेम करके करीबन 5 से 6 मिनट के लिए हम इसे ढक के पकाएंगे, जिससे कि कोफ्ते जो है वो अच्छे से सॉफ्ट हो जाए और इस ग्रेवी का जितना भी टेस्ट है वो कोफ्ते के अंदर अच्छे तरीके से आ जाए। इसलिए हम इसे 6 मिनट के लिए एकदम लो फ्लेम में पका लेंगे। देखिए 6 मिनट हो चुके हैं, कोफ्ते बिल्कुल बढ़िया से बन के रेडी हो चुकी है। इसके ऊपर से हम अब गरम मसाला जो हम पाउडर है वो हम इसके ऊपर से स्प्रिंकल करेंगे अच्छे तरीके से, और फिर इसे एक बोल में हम निकाल लेंगे। देखिए कोफ्ते जो है बिल्कुल यहाँ पर रेडी हो चुके हैं, अब हम इसको एक बोल में निकाल लेते हैं। आज का मेरा ये वीडियो बस यही तक। नेक्स्ट वीडियो लेके मैं बहुत जल्द आपसे मिलूंगी। तब तक के लिए नमस्ते।